हाँ तो देखें प्यारे भैया बहनों, प्रश्नावली 3F में आगे क्वेश्चन देखें तो प्रश्न 8 जो है आपको प्रश्नावली 3D का 14वां और 15वां क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 8 जो है प्रश्नावली 3D का, किसी 3D का 14वां और 15वां जो पीछे हम हल करा दिए हैं, अब क्वेश्चन नंबर 9 आप देख लें कैसे हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, सिद्ध कीजिए साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर 60° प्लस ए और प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 60° बराबर 3 बाई 2 ये दिया गया है, ठीक है। अब इसको कैसे हल करेंगे देखें, अब इसको कैसे हल करेंगे, क्या बायां पक्ष ले लें, ये बायां पक्ष ले लें तो लेफ्ट हैंड साइड दिया है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर 60° प्लस ए और प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 60° ए हो गया, ठीक है। अब हम सूत्र पीछे पड़े हैं, पीछे सूत्र पड़े हैं देखें, जो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। अब यार साइन स्क्वायर थीटा ये रहने दिए, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब यहां थीटा की जगह क्या है, 60° प्लस ए, ठीक। तो अब यह आपका हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस, अब यह साइन स्क्वायर थीटा, अब यदि इसको हम थीटा मानते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना होगा। अब इसको हमने क्या माना है, थीटा माना है, ठीक। तो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर और थीटा की जगह पर 60° प्लस ए और प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 60° ए। अब देखें अब ए आपका क्या होगा, बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस ए और माइनस का मान लेंगे हो गया कॉस स्क्वायर, हो गया कॉस स्क्वायर 60° प्लस ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 60° हो गया।
अब होगा साइन स्क्वायर ए प्लस वन माइनस, अब यहां कॉस स्क्वायर ए या कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, तो लिखेंगे कॉस ए प्लस बी तो 60° प्लस ए और प्लस बी तो ए माइनस 60° इंटू कॉस ए माइनस बी, तो ए की जगह पर 60° प्लस ए और माइनस बी ए माइनस 60, अब सूत्र हो गया या साइन स्क्वायर प्लस वन फिर माइनस, अब यह हो गया कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस, अब यह हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस वन माइनस, अब इसको तोड़ेंगे कॉस, अब 60° प्लस ए और माइनस 60° इंटू कॉस 60° प्लस ए और माइनस ए और प्लस 60°, अब यह माइनस ए प्लस ए कट गया, यह माइनस ए प्लस कट गया, तो हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस वन फिर माइनस कॉस 2a इंटू कॉस 120°, ठीक, और 120° के मान को रखते हैं, हो गया साइन स्क्वायर प्लस वन माइनस कॉस 2a इंटू कॉस 120° माइनस 1/2, अब देखते हैं दिया है, अब यहां हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस वन साइन स्क्वायर ए प्लस वन फिर ये माइनस और माइनस, देखें क्या हो गया साइन स्क्वायर ए तो साइन स्क्वायर ए प्लस वन फिर ये माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस हो गया वन बाई टू साइन स्क्वायर ए प्लस वन और माइनस माइनस प्लस वन बाई टू प्लस, अब यहां हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस वन बाई टू कॉस 2a, तो कॉस 2a को लिख सकते वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, अब इसको तोड़ दें तो क्या होगा साइन स्क्वायर ए प्लस वन प्लस 1/2 एकन्ना 1/2 फिर माइनस 1/2 का बड़ा इसमें होगा 1/2 और बुरे 2 साइन स्क्वायर ए,
यहां से दो से दो कट गया, हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस वन बाई टू और फिर माइनस साइन स्क्वायर ए से कट गया बराबर। अब क्या बचा वन प्लस वन बाई अब यह हो गया दो एवं दो ए तीन बटे दो बराबर राइट हैंड ठीक है। अब इतने की वैल्यू क्या सिद्ध करना था थ्री बाई टू अगर सिद्ध हो गया ठीक। ऐसे आगे मान लीजिए दसवें का देखने मान लीजिए दूसरा खंड दिया गया है देखें क्वेश्चन नंबर आपका टेन है पास सेकेंड क्वेश्चन नंबर टेन पास सेकेंड दिया गया है यदि कास थीटा बराबर यदि कास थीटा बराबर वन बाई टू ब्रैकेट में एक्स प्लस वन बाई एक्स तो सिद्ध कीजिए सिद्ध करना है कि कॉस टू थीटा सिद्ध करना है कॉस टू थीटा बराबर कॉस टू थीटा बराबर एक बटे दो एक बटा दो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर और कॉस थ्री थीटा और कॉस थ्री थीटा इक्वल टू वन बाई टू एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब यह इतना आपको सिद्ध करना है। तो देखें कैसे सिद्ध करेंगे अब इसका वर्ग करेंगे तो पहले पद का वर्ग
एक्स स्क्वायर धन दूसरे पद का वर्ग एक बटे एक्स स्क्वायर, फिर धन दो और गुणे पहला पद एक्स और गुणे दूसरा पद एक बटे एक्स, ये हो गया। और माइनस वन माइनस ये हो गया। अब देख यह एक्स से एक्स कट गया, ठीक। अब यहां क्या करेंगे तो बोल रहे हैं यह दो से या दो और गुणे कितना हो गया एक बटे चार और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर और प्लस दो और माइनस एक। अब यह दो दूनी चार, ठीक, अर्थात कितना आ गया, अर्थात हो गया एक बटे दो, एक बटे दो अर्थात क्या हो गया कि दो दूनी चार तो एक बटे दो और ब्रैकेट में बचा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर और प्लस टू और माइनस का, ठीक। अब आपका क्या होगा, अब यह कितना के साथ ये बटे दो कर लिए एक बटा दो ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर और प्लस अब एक बटे दो का गुणा दो नहीं कर दिए एक बटा दो गुणे और माइनस एक, अब यह दो से दो कट गया एक बटा दो, फिर क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर और प्लस वन माइनस वन से कट गया आया क्या एक बटे दो ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, ठीक। अब क्या सिद्ध करना था ये कास टू थीटा बराबर है, इसलिए आपका क्या निकला या कास टू थीटा, कास टू थीटा बराबर वन बाई टू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, ठीक, ये प्रूव हो गया, ठीक है, ये प्रूव ठीक। ऐसे हल करेंगे, अब आगे देखते हैं कॉस थ्री थीटा का, ठीक है। अब कॉस थ्री थीटा का तो देखते हैं अब क्या करना, कॉस थ्री थीटा तो कॉस थ्री थीटा बराबर फोर कॉस टू थीटा, फोर कॉस टू थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। कल आपको सूत्र लिखाए थे तो कल सूत्र लिखाए थे कि कॉस थ्री थीटा या कॉस थ्री थीटा बराबर फोर कॉस टू थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। अब यहां हो गया तो कॉस क्यूब थीटा, अब यह कॉस कॉस थीटा की वैल्यू दी गई है, अब क्या है एक बटे दो ब्रैकेट में एक्स प्लस वन बाई एक्स कितने का होल क्यूब माइनस थ्री और कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है एक दिया गया है वन बाई टू एक्स प्लस वन बाई एक्स दिया गया। अब इसको लिखेंगे चार और यहां हो गया इसका घन करना, जब इसका घन करेंगे देखें जब इसका घन करेंगे तो आपका क्या होगा, होगा चार और फिर
एक बटे दो का घन एक बटे आठ हो गया। फिर क्या करेंगे, पहले पद का घन, पहले पद का घन धन, दूसरे पद का घन एक बटे एक्स क्यू, पहले पद का घन धन, दूसरे पद का घन धन तीन, और गुणे आपका पहला पद एक्स और गुणे दूसरा तीन बटे एक्स, और ब्रैकेट में एक्स प्लस वन बाई एक्स। ठीक, एक ना, और माइनस थ्री वन बाई टू, कितना हो गया x प्लस वन बाई एक्स, ये हो गया। इसका घन जब हमने तोड़ा चार, एक बटे दो का घन एक बटे आठ, एक्स क्यू प्लस एक बटे एक्स क्यू प्लस थ्री अग्रे एक्स अग्रे वन बाई एक्स और ब्रैकेट में x प्लस वन बाई एक्स, फिर माइनस थ्री और इसका एक बटे दो और x प्लस वन बाई एक्स। अब यहां से x कट गया, अब यहां यह चार दुनी आठ कट जाएगा, अर्थात क्या बचेगा, अब यहां बचेगा एक बटे दो, एक बटे दो, फिर आपका होगा x क्यू प्लस वन बाई एक्स प्लस थ्री और ब्रैकेट में एक्स प्लस वन बाई एक्स, और माइनस अब थ्री तीन कलम तीन बटे दो और क्वेश्चन में एक्स प्लस वन बाई एक्स। अब क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सरल करेंगे, क्या आएगा इसका, इसके साथ मैंने कर दिया तो देखें, अब एक बटे दो और क्वेश्चन में x क्यू प्लस एक बटे एक्स क्यू तो हो गया एक बटे दो एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू, और फिर एक बटे दो का अब यहां एक बटे दो का बड़ा तीन में किए, एक बटे दो का बड़ा तीन में किए तो तीन बटे दो तो प्लस तीन बटे दो और पोस्टर में एक्स प्लस वन बाई एक्स, ये हो गया। और फिर क्या है, माइनस माइनस थ्री बाई टू माइनस थ्री बाई टू माइनस थ्री बाई टू ब्रैकेट में एक्स प्लस वन बाई एक्स, ये चीजें हुआ। ठीक है, अब इसके बाद सरल कर लेंगे, इससे कट गया, अब क्या आया एक बटे दो ब्रैकेट में एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू, ठीक, अर्थात हमारा क्या आया, इसलिए कॉस थ्री थीटा कॉस थ्री थीटा, अब यहां कॉस थ्री थीटा, अब यहां कॉस थ्री थीटा बराबर क्या हुआ एक बटा दो ब्रैकेट में एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू, ये हो गया। इस तरह से ये आपका रूट हो गया। ठीक है, अब ऐसे आगे प्रश्न को हल करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 है, देखें
तो इसी तरह से आप इस प्रश्नावली में हल करेंगे, जो कहें साइन 2a का मान कहीं cos 2a का मान इसी सूत्रों पर आधारित इस प्रश्नावली में है आप हल करेंगे। देखें आगे क्वेश्चन। यहां दिया गया है क्वेश्चन है, मानिए 12 है, सिद्ध कीजिए सिद्ध करना है कि 1 प्लस cos पाई बाई ए, फिर 1 प्लस cos 3π/a, फिर 1 प्लस cos π/a, फिर 1 प्लस cos 7π/8 इक्वल टू 1/8, ये सिद्ध करना था। ठीक है, ए सिद्ध करना था। तो देखें अब यह बाया पक्ष है। ठीक है, अब यह इतने की वैल्यू क्या आनी थी, 1/8 आ रहा था। अब कैसे हल करेंगे तो देखना, बायां पक्ष ले लें, लेफ्ट हैंड साइड, 1 प्लस cos π/8, फिर 1 प्लस cos 3π/8, तो cos 3π/8 प्लस नहीं फिर आपका है 1 प्लस cos 5π/8 और फिर 1 प्लस cos 7π/8, ये मैंने ले लिया। क्या किए बायां पक्ष, हमने बायां पक्ष ले लिया। ठीक है, बायां पक्ष या जो दिया गया था बायां पक्ष, इसको मैंने ले लिया। जब इसको ले लिया तो अब देखें क्या होता है, तो यह हो गया 1 प्लस cos π/8, फिर 1 प्लस cos 3π/8। अब इसको लिख सकते 1 प्लस, अब यह cos यदि हम पाई में से 3π/8 को घटा दें, अब cos 5π/8 आना है, तो cos 5π/8 आना है, तो आएगा कैसे, तो पाई में से 3π/8 घटा दें, तो अब 8π डबला करके 8π और माइनस 3π, तो 8π में से 3π गया तो 5π हो गया, और फिर 1 प्लस cos 5π/8। अब देखें 8π, अब यह 8π, तो 8π और माइनस 5, तो 8π माइनस 7π/8 हो गया। अब क्या होगा, 1 प्लस cos 5π/8, फिर 1 प्लस cos 3π/8,
फिर वन वन हो गया, और या कॉस पाई माइनस थीटा, यदि इसको हम थीटा मानते हैं, यदि इसको मैंने थीटा मान लिया, थ्री पाई बाई एट को क्या मान लिया थीटा, तो कॉस कॉस पाई माइनस थीटा, तो कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो ये माइनस कॉस थीटा, तो माइनस और प्लस माइनस और कॉस थीटा यानी कॉस थ्री पाई बाई एट, फिर हुआ वन। अब यार इसको मैंने थीटा मान लिया, तो कॉस या कॉस पाई माइनस थीटा, तो कॉस पाई माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस और प्लस मीटर माइनस कॉस कॉस और थीटा, थीटा की वैल्यू हो गई पाई बाई। अब यदि इसको हम देखें वन प्लस कॉस पाई बाई ए, वन प्लस कॉस पाई बाई ए और वन माइनस कॉस पाई बाई ए, तो ए प्लस बी, अब यहां ए प्लस बी, यहां ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर अर्थात ए बराबर ई और माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई। अब a प्लस बी क्या हो गया, a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अर्थात a बराबर e और माइनस cos स्क्वायर थ्री पाई बाई ए। अब यदि इसको हम थीटा मानते हैं तो क्या होगा, वन माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते, साइन स्क्वायर थीटा, तो लिखेंगे अब बोल रहे हैं यह वन माइनस ए कॉस स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर पाई बाई एट इंटू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अर्थात साइन स्क्वायर थ्री पाई बाई ए। अब देखें क्या होगा, अब स्क्वायर यहां स्क्वायर, तो इसको क्या कर सकते हैं, साइन पाई बाई एट इंटू साइन थ्री पाई बाई एट का होल स्क्वायर, एक हो गया। अब हम क्या करें, दो से गुणा करें, और अब यहां एक ही हो गया, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको लिख सकते हैं दो से गुणा दो से भाग, एक बटा दो और दो साइन थ्री पाई बाई एट और एन टू पाई बाई साइन पाई बाई क्या कि बोले, अब यहां दो से गुणा कर दिया, दो से गुणा किया और दो से भाग दे दिया, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, दो से दो बढ़ जाएगा। अब इसको क्या किए, अब इसको हम करेंगे, अब यहां एक बटे दो, तो एक बटे दो का, अब यहां एक बटे दो का एक बटे दो, तो एक बटे दो का
या एक बटे दो का, तो एक बटे दो का पर एक बटे चार हो जाए। फिर क्या हो जाए, टू साइन थ्री पाई बाय इंटू साइन पाई बाय ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे देखें, अब यहां हो गया एक बटे चार, अब टू साइन ए साइन बी, अब यह टू साइन ए साइन बी, तो क्या होगा पास पास ए ऋण बी, तो होगा पास ए और बी, तो थ्री पाई बाई ए माइनस पाई बाई ए कास ए ऋण बी, कास ए और ऋण बी माइनस कास ए प्लस बी, तो क्या होगा थ्री पाई बाई ए और प्लस पाई बाई कितने का होल स्क्वायर। अब एक बटे चार, अब यह हो गया कास थ्री पाई बाई एट माइनस पाई बाई एट, तो टू पाई बाई थ्री, फिर माइनस कास फोर पाई बाई एट इसका स्क्वायर। अब यह दो चौके आठ, चार दूनी आठ, अब इसको कैसे सरल करेंगे देखें। अब यह हो गया वन बाई फोर, अब यह कास फाइव बाई फोर और माइनस कास फाइव बाई का होल स्क्वायर। अब यहां लिखेंगे एक बटे चार कास पाई बाई फोर, तो कास पाई बाई फोर एक बटा करने में दो और माइनस कास पाई बाई वैल्यू जीरो स्क्वायर स्क्वायर, अर्थात एक बटे चार फिर हुआ एक बटे करने में दो का स्क्वायर, अर्थात एक बटे चार और एक बटे बराबर एक बटे आठ। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आई वन बाई एट इक्वल टू क्या हो गया राइट हैंड साइड। तो इस तरह से इस प्रश्नावली को हम हल करेंगे, बाकी आपको कल बताएंगे।